हेलो गाइस, सो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा मैनुअल टेस्टिंग का, चैप्टर 1। सो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। अब हम तो पहले चैप्टर में हमारे पास ये सब टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। आप इन सबको नोट्स बनाना चाहें नोट्स बना सकते हैं, उनका अपने लैपटॉप पे, नोटबुक पे, जिस पे जाना चाहे। हम इन टॉपिक्स को पहले चैप्टर में कवर करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होती लगेगी मुझे तो मैं उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा। सो मैनुअल टेस्टिंग का सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं बताऊँगा कि हम मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है। बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी कंपनी होती है, वो मैनुअल टेस्टिंग क्यों करवाती है, इसके पीछे रीज़न है। कोई भी प्रोडक्ट अगर डिलीवर हो रहा है बिना विदाउट एनी टेस्टिंग, तो उसका नुकसान क्या होने वाला है, उससे क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट के चांसेस है उसके अंदर बहुत सारे बग्स मिलने वाले हैं प्रोडक्ट को, एंड यूज़र को, जिससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है, प्रोडक्ट फेलियर भी हो सकता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग टेस्टिंग हेयर। सो दिस इज़ द बेस इंट्रोडक्शन अबाउट इट। सो कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट डेवलप करती है तो वो SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल को या प्रोसेस को फॉलो करती हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसके अंदर एक फेज़ होता है टेस्टिंग का, जो हम गो थ्रू करने वाले हैं एज अ गुड टेस्टर। सो सेकंड हमारा टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ टेस्टिंग। तो बेसिकली कोई भी टेस्टिंग किस लिए ज़रूरी होता है हमारे फेज़ के अंदर। सो देखो, सॉफ्टवेयर हम डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हमारे पास है ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर, हम रोज़ यूज़ भी कर रहे होते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, या फिर कोई भी ऐसे। तो हर एक सिस्टम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर से बनकर बना है। तो सॉफ्टवेयर इज़ अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो। बैंकिंग सेक्टर में जैसे ओरेकल एक कंपनी है, वो SBI वगैरह को देखती है, फिनैकल एक कंपनी है जो PNB को देखती है। तो इस तरह से बहुत सारे वे ऐसे कंपनी हैं जो उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, जिससे बैंकिंग का सेक्टर वर्क करता है। तो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम जानते हैं जैसे DHFL हो गया, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो उनको यूज़ करती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मैनेज करने के लिए, ट्रैकिंग के लिए, वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। तो उसको, ये भी एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। मेडिसन मतलब हॉस्पिटल के अंदर आप देखते हो कि मैनेज करना डाटा को कैसे करना है, किसको क्या दवाइयाँ मिलनी है उसके लिए पूरा रिसिप्ट वगैरह। कोई भी रिसर्च सेंटर्स होते हैं उनमें पूरा मेडिसिन के रिलेटेड उसकी पूरी रिसर्च की डाटा कलेक्ट करना, क्या उनकी इनपुट देने पे क्या आउटपुट आ रही है, वो सब मैनेज होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसी तरह डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट में जैसे जैसे अभी उत्तराखंड में जैसे वो हुआ था, बाढ़ आई थी, तो एक डिज़ास्टर्स फेल भी हुआ था लास्ट टाइम पहले, उसमें क्या हुआ, रडार के अंदर हमको डिटेल्स दिखाई नहीं दी, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर का फेलियर भी था वो। सो इस तरह से सॉफ्टवेयर हमारे डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो इसलिए हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर अगर हमारा जो डेवलप हो रहा है वो हमको अच्छी तरह वर्क कर पाए। उससे अगर वो फेल होता है तो क्या कॉजेज हो सकते हैं उसके फेल होने की। सो सॉफ्टवेयर जब फेल होता है उससे क्या हो सकता है, डेथ और इंजरी भी हो सकती है। जैसे कि वो डिजास्टर्स वाला मान लो, मेडिसिन मान लो अगर मेडिसिन में किसी और को क्या दवाई देनी थी और गलती से उसके सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है कि अगर मैं R सर्च कर रहा हूँ तो वो कुछ दवाई का नाम कुछ और सर्च करके, तो इस तरह यूज़र को कुछ गलत दवाई भी डाल सकते हैं, दैट विल कोज अ डेथ एज वेल। और कभी कभार क्या होता है डिजास्टर्स में जो रडार है वो वर्क करना बंद कर जाए आपका रडार वाला सॉफ्टवेयर, सो वो भी डेथ का कोज कर सकती है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर फेलियर बहुत ही लीड्स टू मेजर इम्पैक्ट्स इन ह्यूमन लाइफ। सो टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स मैं भी बता चुका हूँ, जैसे ट्रांजेक्शन फेलियर का मतलब जैसे बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, बेसिकली जैसे मान लो आप 100 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी ए से बी अमाउंट पे, किस ए अकाउंट पे, तो मान लो अगर वो सॉफ्टवेयर के अंदर ये गड़बड़ है कि वो 100 रुपये को 10,000 रुपये बना रहा है, तो कितना बड़ा चेंज हो सकता है। आप हर बार वो 1-2 0 एक्सटेंड कर रहा है। अब मान लो अगर आपने 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र करने थे तो आप 20 करोड़ रुपये जाएंगे उनके अकाउंट में, सो वो ट्रांजेक्शन का बहुत बड़ा फेलियर रहेगा, दैट विल कोज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद द ह्यूमन लाइफ। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग नेसेसिटी ऑफ अ टेस्टिंग। सो दैट्स वाई टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड हेयर। सो इफ वी प्रोवाइड करेक्ट टेस्टिंग ऑल ओवर द प्लेसेस, ऑल ओवर द सॉफ्टवेयर, देन वी कैन से दैट ऑल दोज मिस हैपनिंग कैन बी अवॉइडेड एज वेल। सो दैट्स वाई टेस्टिंग इज गोइंग बी यूज्ड। थैंक यू। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिस्ट्री ऑफ टेस्टिंग। हिस्ट्री ऑफ टेस्टिंग में मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ इसमें क्या हुआ था। बेसिकली टेस्टिंग का क्यों यूज़ सबसे ज़्यादा बढ़ा,
जैसे जैसे हम एक डिज्नी नाम की आप कंपनी बहुत वेल नोन है, उसमें क्या हुआ था, उन्होंने एक सीडी बनाई थी जिसके अंदर बहुत सारे गेम्स थे और फिर वो सीडी उन्होंने सेल की, तो वो सेल हुई लगभग मिलियंस डॉलर्स के अराउंड सेल हुई थी। लेकिन उनके कुछ ही दिनों बाद उनके अंदर कंप्लेंट्स आनी स्टार्ट हुई कि वो सीडी वर्क नहीं कर रही है, डाटा गेम लोड नहीं हो पा रहा है। सो वो बाद में जब उनके इंटरनल डेमो इंटरनल सेशंस हुआ उनके इंटरनल्स डिज्नी के अंदर, तब पता लगा कि वो सीडी के अंदर कंपैटिबिलिटी इशू था। उसके अंदर क्या था कि एक वो एक प्लेटफॉर्म के अंदर दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क नहीं कर पा रही थी, वो सिर्फ इंटरनल चीज़ों में वर्क कर पा रही थी, दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ इशूज। सो दैट्स वाई टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, विंडो क्रैश इशू। आपने ये भी सुना होगा कि एक बार क्या हुआ था, जब विंडोज़ अपना डेमो दे रही थी नई विंडोज़ 98 के अराउंड, तो उन्होंने विंडोज़ के जब वो बूटिंग कर रही थी तो उनका विंडोज़ क्रैश हो गया था। सो वो उनका लाइव डेमो बहुत ही ज़्यादा बुरा गया था, उनसे बड़ा बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, जो उनके क्लाइंट उनके ऊपर इन्वेस्ट करने वाले थे उनके ऊपर इम्पैक्ट जाता है इन चीज़ों का। सो इसलिए टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया उसके बाद से। सो और कंपैटिबिलिटी इशू में क्या हुआ था कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना था जो विंडोज़ पे वर्क कर रहा था लेकिन मैकइंटोश पे वर्क नहीं कर रहा था। सो इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे जो एंड यूज़र है यूएसए के, उनके पास मैकबुक भी है तो वो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर पाए थे। सो वो कंपैटिबिलिटी इशू का पार्ट कहलाया था। तो ये सब गोन थ्रू करने के बाद लोगों को लगा, कंपनीज़ को लगा, हर कंपनीज़ को लगा कि टेस्टिंग को एक अलग से इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और इस तरह से नई नई टेस्टिंग। सो इस तरह से हम टेस्टिंग को अलग अलग फेजेस में पार्ट में डिवाइड किया गया और स्पेशली एक मॉडल तैयार किया गया टेस्टिंग से रिलेटेड, जिसको हम STLC कहते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा बग इज ऑलवेज देयर। सो बेसिकली ये टॉपिक क्या बता रहा है, ये टॉपिक ये बता रहा है कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर आज तक नहीं बना जिसके अंदर 100% बग फ्री हो। कोई भी बग हमेशा मिलता है, कोई भी, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो। तो सो हम नहीं कह सकते कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 100% बग फ्री हो। हम उसको 100% बग फ्री अचीवेबल कर सकते हैं लेकिन 100% बग फ्री नहीं कर सकते। देर विल बी सम लूप्स। कभी कभार क्या हो सकता है, लूप्स हो सकते हैं किसी के डेवलपर्स के कोड के अंदर, जहाँ टेस्टर उसको पहुँच नहीं पा रहा लेकिन उस कोड ऑफ पॉइंट पर एक इशू है। So we can't reach that. So that's why we can say that bug is always there in a system. चाहे वो software से related हो चाहे वो hardware से related हो। For example, मैं एक समझाता हूँ। मान लो आप software test कर रहे हो, वो software सही work कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, वो software आपने अपने Windows laptop पे test किया, तो और आपके पास MacBook है नहीं, आपके पूरे office में किसी के पास MacBook नहीं है, लेकिन जैसे ही वो end user के पास गया तो end user ने उसको जब test किया तो उसका hardware जो था internal और जो उनका मैक का इंटरनल सॉफ्टवेयर है Macintosh OS, वो वर्क चेंज, उसकी वर्किंग डिफरेंट है। सो वहाँ पर जाके वो जो आपका सॉफ्टवेयर वो क्रैश हो गया। सो आपके अकॉर्डिंग तो वो बग फ्री था लेकिन वहाँ पर वो बग था। तो इस तरह से भी इशू मिलते हैं। तो हम कभी भी यही नहीं बोलते कोई भी सॉफ्टवेयर 100% बग फ्री है, हम उसको सिर्फ अचीवेबल बताते हैं कि हम वहाँ तक अचीव कर रहे हैं। सो दिस इज द मेन टॉपिक हियर। सो थैंक यू। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वट इज़ टेस्टिंग, वाई टेस्टिंग एंड हाउ टेस्टिंग। सो पहले हम दो पढ़ते हैं, वट इज़ टेस्टिंग एंड वाई टेस्टिंग। सो वट इज़ टेस्टिंग क्या होता है, बेसिकली टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ये टेस्टिंग एक प्रोसेस है टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम विद इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर्स। हम प्रोग्राम को बार बार अलग अलग इनपुट दे दे के उसके आउटपुट वो वेरीफाई करते हैं कि वो जो हमारे एरर्स है निकालने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, ताकि प्रोडक्ट जो हमारा फाइनल डिलीवरी हो वो बग फ्री हो प्रोडक्ट, ठीक है। सो टू फाइंड, अब वो क्या होता है, बेसिकली टू फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर्स विद मैनेजेबल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स विद इन रियलिस्टिक टाइम स्पेंड। सो बेसिकली हम ऐसा तो कह नहीं सकते किसी को कि भाई मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैं पूरे पूरे दिन टेस्टिंग करता रहूँगा, मैं जब तक प्रोडक्ट चलता जा रहा है तब तक टेस्टिंग करूँगा, ऐसा नहीं होता। हमको लिमिटेड टाइम स्पेन मिलता है टेस्टर्स को कि वो उसको इस टाइम स्पेन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बग निकाले लेकिन कम अमाउंट एफर्ट लगा के, मैनेजेबल एफर्ट लगा के। सो टेस्टिंग तो बेसिकली क्या है, फिर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है जो कि न्यू कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी का है। सो डेवलपर ने न्यू एक प्रोजेक्ट बना के दिया तो वो एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हुई। तो टेस्टिंग क्या हुई, टेस्टिंग को जो डेवलप किया है उसको डिस्ट्रक्ट करना, मतलब उसके अंदर से जो इश्यूज मिल रहे हैं एरर निकालना एग्जीक्यूट कर करके, सो वो एक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी बनी इस तरह से। तो टेस्टिंग ये प्रोसेस है, ठीक है।
सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई टेस्टिंग। टेस्टिंग हम क्यों कर रहे हैं बेसिकली, कोई रीज़न होगा किसी चीज़ का करने का। सो आप जब भी कोई पढ़ते हैं तो हमेशा आपके दिमाग में तीन क्वेश्चन आने चाहिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। सो दैट्स व्हाई। सो व्हाट हम पढ़ चुके हैं, अब हम व्हाई पढ़ने वाले हैं। व्हाई में क्या है बेसिकली, व्हाई टेस्टिंग कंट्रीब्यूट टू द डिलीवरी ऑफ हायर क्वालिटी प्रोडक्ट। तो हमारे पास जब हम टेस्टिंग एम्पल अमाउंट ऑफ टेस्टिंग कर लेते हैं तब हमें पता हमारे जो प्रोडक्ट डिलीवर होने वाला है वो एक हायर क्वालिटी का होगा। ये बात सही है। सो हम बोल सकते हैं कि इसलिए टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, अनडिटेक्टेड एरर्स आर कॉस्टली देन अ डिटेक्टेड वन। बेसिकली क्या होता है, अगर हम टेस्टिंग के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बग निकाल लेते हैं प्रोडक्शन में जाने से पहले, सो जो प्रोडक्शन में अगर किसी क्लाइंट को बग मिलता है तो वो बहुत सिस्टम फेलियर की तरह एक्ट कर सकता है। सो हम उस चीज़ को अवॉइड करके, और फिर उससे क्या होगा, वो दोबारा से हमारे पास आएगा, फिर उसके ऊपर दोबारा से कोडिंग होगी डेवलपर्स, फिर डेवलपर्स को दोबारा से डेवलपर उसको यूनिट टेस्ट में भेजेगा, फिर हम उनको टेस्ट करेंगे, फिर प्रोडक्शन के अंदर फिर उसकी रिग्रेशन होगी, उससे पहले रिग्रेशन होने के बाद फिर प्रोडक्शन के पास जाएगा। सो एक बहुत लंबा प्रोसेस बन गया और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट बढ़ जाती है अगर हम कोई अनडिटेक्टेड एरर्स नहीं होते हैं देन डिटेक्टेड वन। सो और सबसे इंपॉर्टेंट तो सीधी सी बात है, कोई भी टेस्टिंग करने का क्या पीछे रीजन होता है, कोई भी एंड यूजर है जो उसको यूज़ करने वाला है वो सेटिस्फाइड हो। जैसे आप अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप आप जब यूज़ कर रहे हो तो आप ये नहीं चाहते कि वो बार बार क्रैश हो, जब मैं मैसेज भेज रहा हूँ तो वो मैसेज ना डिलीवर हो, टाइमली डिलीवर हो, है कोई इमेज भेज रहा हूँ तो वो इमेज हमेशा सपोर्ट दे। तो इस टाइप से तो हम चाहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी तरह वर्क करे। सो ये रीज़न है हमारा कि सेटिस्फाइड यूज़र रहना है, इसलिए भी हम टेस्टिंग करते हैं। थैंक यू। सो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेस्टिंग हाउ, कि हम कैसे टेस्टिंग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो बेसिकली टेस्टिंग को एग्जीक्यूट करने के जनरली क्या फर्ज होते हैं, कि हमें जो यूज़र ने जो रिक्वायरमेंट दी है उसको पढ़े पहले हम पूरा डिटेल में, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सोचें कि वो कैसे वर्क करने वाला है। तो एग्जामिन द यूज़र रिक्वायरमेंट, जो आर्टिफैक्ट्स डेवलप हुए हैं, आर्टिफैक्ट्स मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है, डिटेल डॉक्यूमेंट्स है, उनको रिव्यू करते हैं। उसके अंदर हमें कुछ इश्यूज मिलते हैं, हमारे कंसर्न्स आते हैं, तो हम अपने मैनेजमेंट्स पे और बीएस पे डिटेल्स में उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर उनके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं अपने टांग के ऊपर। फिर बेसिकली हमारे जैसे फेसबुक का लॉगिन पेज है, वो एक पेज है जिसकी फंक्शनैलिटी क्या है, कोई भी लॉगिन करना, यूज़र नेम और पासवर्ड जब हम इनपुट करते हैं तो वो उसको यूज़र को नेक्स्ट पेज, होम पेज या जो भी उसका पेज होता है वहाँ तक लेके जा सके। सो वो उसकी फंक्शनैलिटी है लॉगिन पेज की, कि यूज़र को लॉगिन करना, सो उसको एग्जामिन करना बेसिकली। तो एग्जामिन इंटरनल स्ट्रक्चर, तो बेसिकली क्या है, हर एक कंपनीज का एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो फॉलो करती है। सो जैसे ट्रैवल कंपनी क्या फॉलो करती है, कोई बैंकिंग डोमेन कुछ सेक्टर्स होते हैं कि वो ट्रांजेक्शन हो पा रही या नहीं हो पा रही, सो उनका एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उनको एग्जामिन करना और उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट केसेस डेवलप करना भी एक टेस्टिंग का पार्ट है। सो अब तुमने टेस्ट केसेस डेवलप कर दिए उनकी फंक्शनैलिटी को जानने के बाद, अब उसका क्या है तुम्हारा काम, बेसिकली क्या है टेस्टिंग की, मैंने डेफिनेशन बताई थी कि टेस्टिंग का डेफिनेशन होता है कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने कोड को टू फाइंड द एरर्स। सो इस लास्ट स्टेप्स क्या होगा, टेस्टिंग कैसे होएगी, एग्जीक्यूट करेंगे जो हमारा कोड है या फिर सॉफ्टवेयर है, तो इस तरह हमारा काम कंप्लीट होता है। थैंक यू।